यह है किया कैरेंस का बेस वेरिएंट, इसे बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम बोलने से प्रीमियम नहीं बनता है, प्रीमियम बनता है जब ये कार विग ऑटो में आती है, कंपनी इसे प्रीमियम बोलती है। ये बेस वेरिएंट है, प्रीमियम मतलब बेस तो नहीं हो सकता है, लेकिन अब जाके असली प्रीमियम वर्ड इस पे सूट करता है। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, ये कार में हमने 16 इंचेस के लग्जरी लाइन के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं, वो भी किया जेन्युइन के। दोस्तों अलॉय व्हील बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, और आज के वीडियो में मैं जो जो प्रोडक्ट आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा, ये तो किया कैरेंस में लगाना ही लगाना है, तब जाके आपकी कार कंप्लीट कहलाएगी। साइड प्रोफाइल में 16 इंचेस के अलॉय व्हील, ये कार में ORVM भी नहीं लग के आते हैं, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। जेन्युइन किया के डोर वाइजर, इसकी एक खास बात रहती है, जो क्रोमियम रहता है वो सेंटर में रहता है। ये कस्टमर तो डोर वाइजर लगा के ही आए थे, लेकिन जेन्युइन नहीं थे, उसे रिमूव करके हमने ये डोर वाइजर इंस्टॉल किया है। लोअर विंडो गार्निश भी इंस्टॉल की है, लेकिन अपर पोर्शन भी हमने जो किया जेन्युइन का आता है वो इंस्टॉल किया है। आउटर हैंडल बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं दोस्तों, ये कार में यही हैंडल्स लग के आए थे, लेकिन सर को एक फिनिश जो है लग्जरी लाइन का चाहिए था। हम इसके ऊपर क्रोम चिटका भी सकते थे, लेकिन फील नहीं है, फील जो है ये लग्जरी लाइन के आउटर हैंडल रिप्लेस के हैं जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। अब आएंगे फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में, ये कार में रेगुलर जो बम्पर की लाइनिंग्स आती है ये सिल्वर कलर की लग के आती है, इससे रिप्लेस करके हमने ये किया जेन्युइन के जो लग्जरी लाइन के आते हैं क्रोम लाइनिंग हमने इंस्टॉल किए हैं। ये कोई स्टिकॉन नहीं है दोस्तों, ये किया जेन्युइन के जो पार्ट्स आते हैं वो ही हमने इंस्टॉल किए हैं। लुक आप देख सकते हैं, फ्रंट प्रोफाइल इतने दिन से यही चीज़ की कमी थी, वो भी हमारे पास आ चुकी है, और अल्टीमेट है दोस्तों किया में ये चीज़ इंस्टॉल करनी है, लेकिन रिप्लेस वाली स्टिकॉन वाली नहीं है। ये कार में फेंडर में इंडिकेटर भी लग के आए थे, इसे हमने रिमूव करके वेंट्स इंस्टॉल किए हैं। अब अगर फ्रंट का रिप्लेस करेंगे क्रोम, तो हम रियर का भी करेंगे। मैं वंस अगेन आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई स्टिकॉन प्रोडक्ट्स नहीं है, ये किया जेन्युइन के पार्ट्स आते हैं वो हमने रिप्लेस किए हैं। इसमें रेगुलर ब्लैक कलर के ही लग के आए थे, इसे रिप्लेस करके हमने लग्जरी लाइन के जो आते हैं बम्पर की जो क्रोम फिनिश वो फ्रंट एंड बैक में इंस्टॉल की है। ये कार में रेगुलर ये ही एंटीना लग के आया था, इसे रिप्लेस करके लग्जरी लाइन का, इसकी जो शेप है ये डॉल्फिन शेप की आती है दोस्तों, क्रेटा के शार्क फिन आता है, ये किया जेन्युइन के ही हमने इंस्टॉल किए हैं। इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार में मिरर दोस्तों कंप्लीट कब होता है, जब इसके इनर कवर से दोस्तों ध्यान से देखिए रिप्लेस होते हैं। ये रेगुलर यही मिरर लग के आए थे ये वाली कार के अंदर, और ये इनर कवर है, इसे कुछ भी कवर कर दो, ये कर दो, वो चीज़ के लिए हम जाने नहीं जाते हैं, ये जाके चीज़ कंप्लीट होती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप स्विच भी देखिए दोस्तों, वन टच स्विचेस के साथ हमने इंस्टॉल किया है, एक एक फिट एंड फिनिशिंग तो देखिए हम किस तरीके से फिट करते हैं, तरीका क्या है हमारा काम करने का। इंटीरियर दोस्तों कंप्लीट कब होता है मालूम है, जब हाई ग्लॉस ब्लैक कलर के टेक्नो प्रिंट वाले डैशबोर्ड इंस्टॉल होते हैं। लेफ्ट साइड में कप होल्डर्स हैं, राइट साइड में कॉइन बॉक्स है। दोस्तों ये ही डैशबोर्ड लग के आया था, लेदर रैप कर सकते थे, इसे हाई ग्लॉस ब्लैक कर सकते थे, लेकिन करना नहीं था। अगर फील चाहिए, अगर असली प्रीमियम चाहिए, तो ये चीज़ प्रीमियम बनाती है, प्रीमियम को लग्जरी बनाती है ये डैशबोर्ड। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये डैशबोर्ड कब मिलेगा आपको, जब कंपनी को टॉप वेरिएंट को 24-25 लाख रुपए आप दोगे, हम तो बेस वेरिएंट में इंस्टॉल करके दे रहे हैं। गियर नॉब भी हमने ये कार के अंदर रिप्लेस किए हैं जो टॉप वेरिएंट के आते हैं। क्रूज कंट्रोल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द किया कैरेंस कार,
क्रूज कंट्रोल भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जो डैशबोर्ड है दिस इज नेक्स्ट लेवल। हर किया कैरेंस वाले को ये हाई ग्लॉस ब्लैक कलर के टेक्नो प्रिंट के डैशबोर्ड इंस्टॉल करने ही हैं। ये कार में हमने प्लेयर सेंटा रोजा 985 इंस्टॉल किया है विथ द 360 बर्ड व्यू के साथ है दोस्तों। आप क्लियरिटी चेकआउट कर सकते हैं, वाकई एकदम अल्टीमेट है। वर्जन इसका 11 है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, ES सीरीज का सेटअप किया है, अल्टीमेट। स्पीकर सोनी ES सीरीज के फ्रंट में कंपोनेंट हमने इंस्टॉल किए हैं, अल्टीमेट है दोस्तों। अब तो कस्टमर को भी समझ आ रहा है कि क्वालिटी क्या चीज़ है, नो नीड फॉर द चाइनीज प्रोडक्ट। 3 साल की ऑफिशियल वारंटी के साथ है, द क्रिस्टल क्लियर आउटपुट है। रियर में हमने इसके कोएक्सल्स इंस्टॉल किए हुए हैं ये कार के अंदर, एक GS4 हाई रीस का एम्पलीफायर हमने इंस्टॉल किया है, OFC वायरिंग हमने की है एंड द सेंटा रोजा 985 10.1 इंच का हमने इंस्टॉल किया है। आउटर हैंडल रिप्लेस, दोस्तों ये चीज़ के लिए आए हैं कस्टमर। आप शार्क फिन देख सकते हैं, एंटीना देख सकते हैं, रियर प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में आउटर हैंडल तक हमने रिप्लेस कर दिए। इसी के लिए मैंने बोला आज जो भी मैं प्रोडक्ट बताऊंगा ये मस्ट है किया कैरेंस में, चाहे आपका प्रीमियम रहे, प्रेस्टीज रहे, प्रेस्टीज प्लस रहे, ये चीज़ आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अगर आप प्रेस्टीज प्लस भी ले लेंगे ना, फ्रंट एंड ब्रेक के क्रोम नहीं आते हैं, अगर आप प्रेस्टीज प्लस भी ले लो, हैंडल जो आउटर रिप्लेस वो भी नहीं आते, ये सीरीज तो काफ़ी दूर की बात है। ओनर ऑफ द कार ब्रैंडन भी हमारे साथ है, प्रिंस भी हमारे साथ है। ये कार आई थी प्रीमियम, सिर्फ बोलने के लिए प्रीमियम थी, लेकिन ब्रैंडन प्रीमियम बनता कैसे है आज मैंने बताया है। सर का कैसा रहा एक्सपीरियंस प्लीज? नहीं, कार तो बहुत बढ़िया बनी है, मतलब आई एम वर्डलेस, कुछ नहीं बोलना है मुझे। मतलब इतनी अच्छी बनी है कि मैं एक्चुअली कम बजट लेके आया था, लेकिन जो बजट बना, बजट भी अच्छा बना और वर्थ है उसका, कुछ मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही बन गया, जो बना वो काफ़ी मतलब एक लेवल तक है। थैंक यू सो मच प्रिंस। हाय, सो एक्चुअली हमने जब इनिशियली जब रिसर्च किया था कि हमें, क्योंकि भरोसा करना बहुत मुश्किल बात हो जब हम इतने बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बट एक बार के बाद जब हमने ये वीडियो देखा, जब आपसे मिले और यहाँ आने के बाद जैसे इन्होंने बताया ब्रैंडन ने कि हमारा बजट बहुत कम था, हमने सोचा कि सिर्फ जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही इंस्टॉल करेंगे, बट जब हमने यहाँ की चीज़ें देखी, यहाँ के फिटमेंट देखे, यहाँ के फिट एंड फिनिश देखा, और जो यहाँ पे क्विक काम होता है, लाइक आप लेके आओ विद इन 4 to 5 hours में आपको पूरी की पूरी कार बेस टू टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो जाती है, वो देखने के बाद ऐसा लगा कि यार थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा हमने बजट भी बढ़ा दिया। और अभी देखोगे तो ये कार पहचान में नहीं आ रही कि ये किया की जो है कि पूरी की पूरी बेस मॉडल है, बट अभी ये पूरी टॉप मॉडल लग रही है। लाइक आप देखो, थैंक यू आपके लिए कि मतलब आपने इतना जल्दी ये सारी चीजें चेंजेस कर, मुझे करना ही था, मैंने सुबह ही तेरे को मैंने बोला था मैं आज ये कार प्रेजेंट करूंगा, हर चीज जेन्युइन ही देने वाला हूं। और एक चीज, डोर वाइजर लगा के आए थे? बेस्ट क्वालिटी का डोर वाइजर दिया है। फर्क है, हर चीज जो मैं बोलता हूँ जेन्युइन में फर्क है। मार्जिन कम है ब्रैंडन इसमें, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है ये वाली चीज के लिए, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। आज बिलीव गुजरात से आई थी, प्रेस्टीज प्लस आई थी, डैशबोर्ड भी लगाया, ES भी लगाया, सब लगाया, ये हमारी प्रीमियम है 100%। मैं बोलूँगा वैल्यू है ये चीज़ की। थैंक यू ब्रैंडन, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच सत्यम। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये किया कैरेंस का प्रीमियम बेस वेरिएंट किस तरीके से लगा है कमेंट ज़रूर बोलना। कंपनी इसे प्रीमियम बोलती है, लेकिन हम उसे प्रीमियम बनाते हैं। Drive safely and thank you friends once.